ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ये कविता ने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एक युवा को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हम सचमुच प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक युवा के नेता के तौर पर युवाओं के मुद्दा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि हैं। आज मैं एजुकेशन सिस्टम और नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पेपर लीक की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ। ये मुद्दे हमारे युवा और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, भारत भाग्यशाली है कि देश के कुल जनसंख्या में 60% से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर छात्र हैं। ये युवा देश के विकास कार्यों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि एजुकेशन सेक्टर को हमेशा इनसफिशिएंट बजट का सामना करना पड़ता है। सरकारी वादे भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं इन वादों को पूरा करते हुए नहीं देख रही हूँ। इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों और कॉलेज की व्यवस्थाओं पर पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकारी स्कूल में शिक्षा की भारी कमी है। भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी कमी के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को। इससे छात्र को क्वालिटी एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। सर, किसी भी परीक्षा के पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत पर बेकार हो जाती है। मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 और यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। सर, इन दिस डिजिटल एज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आर स्कूल लैक बेसिक टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज। द सिचुएशन इज पर्टिकुलरली बैड इन रूरल एरियाज। इट इज इम्परेटिव टू कनेक्ट स्टूडेंट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दे कैन कम्प्लीट ग्लोबली। सर, द रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ पेपर लीक वीकेंड द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इन द गवर्नमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। सच इंसिडेंट्स इंडिकेट द सीरियस फ्लॉज इन आर एग्जामिनेशन सिस्टम विच नीड इमीडिएट रेक्टिफिकेशन। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट क्रिटिजम्स फॉर डिले इन द कंडक्टिंग एग्जाम्स विच हैज सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। दीज डिलेज means that students are experiencing delay admissions in their college, which resulted in shortened semesters, impacting their academic progress, leading to situation where 2-year postgraduate degrees are effectively taking 1.5 years to complete. This burden disproportionately affects the students from economically and socially weaker background, who face additional challenges due to extended timelines and financial pressures associated with delay admissions. The NTA's inability to conduct exam in a timely manner is not just administrative failure, it is real consequences for the educational trajectories millions of students across the country. Sir, hame uchit training, routine inspections aur modern technology ko apnane ki avashyakta hai. Paper leak mein shamil logo ko sakht saza dene ki zarurat hai taki aisi ghatnaein wapas na ho. Hamare chhatron ko foreign country mein behtar avsar mil rahe hain. Hame apni shiksha संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा ताकि हमारे युवा बाहर न जाए और यही बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाएं। अंत में मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम के कंडक्ट में सुधार के ठोस से ठोस कदम उठाए जाए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। ये भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है, देश की जनता जाग चुकी है। पीडीए के मान सम्मान में की डकैती की रक्षा केवल इंडिया गठबंधन कर सकती है। यदि ये सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो तो जातीय जनगणना करा के सबको हिस्सेदारी दे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।